हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिजाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है, और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 इंच ले लें, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच रखी हुई है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी गहराई मैं 5.5 इंच रखूँगी। आप इसको 6 इंच या 6.5 इंच भी रख सकते हैं, जितने आप राउंड नेक पहनते हैं उतनी आप इसकी गहराई रखें। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर करीब 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और जो हमारी नीचे ये बुकरम है यहाँ से 0.25 इंच छोड़कर यहाँ पर भी हम 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे। हमने 1 इंच पर जो निशान लगाया है और यहाँ पर जो 1 इंच का निशान है, इन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे, और ये हमारा जो निशान है यहाँ पर हम इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब 0.5 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ से है इतनी ही चौड़ाई हम यहाँ से रखेंगे, और इस निशान को नीचे मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इतनी कटिंग करने के बाद हमारी ये जो बीच की पट्टी है हम इसको अलग कर लेंगे। हमारे नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं, और इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है। बीच में से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है, और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा देते हैं। हमने जो कट लगाए हैं इनके ऊपर अपने बुकरम के कॉर्नर हम इस तरह से रखते हैं, और अपने बुकरम को प्रेस से पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए, और इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर 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 से चारों तरफ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे, जिससे हमारा ये कपड़ा आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करेंगे, और इसके बीच में एक क्रीज बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, और हमने ये जो क्रीज बनाई है इसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं, उसमें भी हम बीच में एक क्रीज बना लेंगे इसी तरह से, और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, और इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये दोनों कट मिलाते हुए और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने ये सिलाई लगा ली है, यहाँ से लगा के और नीचे तक मैंने ये सिलाई लगा ली है। और ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। बुकरम
बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर बाहर इसी शेप में पूरे गले की कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम पूरे गले पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और एक कट हम यहाँ पर इस कॉर्नर पर ज़रूर लगाएंगे और एक कट इस कॉर्नर पर, और इसी तरह से पूरे गले पर कट लगाने हैं। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं, और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें, इससे इसमें और अच्छी सफाई आएगी। अब हमारे नेक की जो बीच वाली पट्टी है हम उसको तैयार करते हैं। ये मैंने कुर्ती के कपड़े के ऊपर इस पट्टी को पेस्ट कर लिया है, और ये देखिए चारों तरफ से बुकरम की पट्टी से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये हमारा सीधा हिस्सा है और इसमें हल्की सी गोलाई है, तो जिसमें हल्की सी गोलाई है वो हिस्सा हमारा ऊपर आएगा। और इतनी ही पट्टी हम एक और लेते हैं और उसको इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं, और जो हमारा कपड़ा है इसके दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है यानी हल्की सी जिसमें गोलाई है उसमें हम ऊपर बुकरम के बराबर में सिलाई लगाएंगे। ये जो हम सिलाई लगाएंगे बुकरम से, थोड़ा पहले हम इस सिलाई को लगा लेंगे। और इधर भी हम थोड़ा आगे तक इस सिलाई को लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा डबल कर लेंगे ताकि ये उधड़ेगा। हमने जो सिलाई लगाई है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से हल्की सी गोलाई में, और इसमें हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ये यहाँ पर कट लगाने के बाद हम अपनी पट्टी को ऐसे पलट लेंगे। इसके बाद हम एक पट्टी लेते हैं, और इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई रखी हुई है करीब 1.5 इंच के आसपास है, 1.5 इंच से आप 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी रख सकते हैं, और लंबाई मैंने इसकी काफ़ी रखी हुई है। आप एक पट्टी की जगह 2 पट्टी भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हैं। इस पट्टी को हमें सिलाई में बराबर दबाना है, कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा नहीं दबाना। एक साइड से हम इसको बंद कर देंगे इस पट्टी को, क्योंकि हमें इसको सीधा करना है। पूरी पट्टी पर सिलाई लगाने के बाद अगर सिलाई के इस साइड हमारा कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बच रहा है तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे, और इसके बाद जिस साइड से हमारी ये पट्टी बंद है उस साइड से हम कोई भी चीज़ लेंगे और उससे अपनी इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमारी ये जो बुकरम की पट्टी है हम इसके बीच में निशान लगाएंगे, तो आप चाहें तो देखें इस तरह से आप कर सकते हैं, ये दोनों सिरे आपस में मिलाएं बुकरम के और बीच में इस तरह से क्रीज बना लें, तो हमारी ये बिल्कुल बीच में एक क्रीज आ जाएगी इस तरह से। फिर हमारी ये जो क्रीज है इसके ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम बुकरम तक अपने कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं और इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं दोनों साइड। इसके बाद हमने जो पट्टी बनाई है इसमें से हम करीब 3 या 3.25 इंच के आसपास इस तरह से हम इसके पीस कर लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हमने जो पीस कटिंग किए हैं इनको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड कर देंगे, और इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे। हमारी ये जो लाइन है ये निशान है इससे थोड़ा पीछे हमें इन पट्टियों को रखना है, और
ये हमारा जो बीच का निशान है, यहाँ पर हमारा इसका ये कॉर्नर आना चाहिए, और इनको हम इसी तरह से मिला मिला कर लगाते रहेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते रहेंगे। देखिए इस तरह से रखते जाएंगे और हमारा ये जो निशान है, या तो आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें या थोड़ा सा इधर लगा लें। पट्टी को लेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ये जो हमारे कॉर्नर है ये बिल्कुल हमारी इस लाइन पर आने चाहिए, हमारी ये जो लाइन है बीच की। देखिए एक साइड मैंने ये पट्टी लगा ली है और ये हमारा जो निशान है इस पर सिलाई लगाते हुए अब हम दूसरी साइड आ जाएंगे, और दूसरी साइड बिल्कुल इसके सामने हमें पट्टी लगानी है। हमारी ये जो पट्टी है आपस में इस तरह से ये मिलनी चाहिए, ये आमने सामने ऐसे आनी चाहिए इस तरह से। अब इस दूसरी पट्टी के सामने हमें पट्टी लगानी है और सारी पट्टी हमें इसी तरह से लगानी है। दोनों साइड इस तरह से डिजाइन लगाने के बाद हमें इनके ऊपर यहाँ तक ये सिलाई लगानी है। देखिए इस पट्टी पर हम यहाँ तक ये सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको दूसरी पट्टी पर इस तरह से ले आएंगे। फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और हमारी ये जो लाइन है, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर ये सिलाई लाएंगे, और देखिए ये हमारे डिज़ाइन इस तरह से आपस में यहाँ पर इस तरह से मिलने चाहिए। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये पट्टी तैयार करने के बाद और ये सिलाई लगाने के बाद हम एक बार और इस तरह से निशान लगा लेते हैं, यानी बुकरम तक फोल्ड करके, क्योंकि हमें अब इसके ऊपर जो फाइनल सिलाई लगाएंगे वो इस निशान के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। अब हम अपने नेक पर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हम अपनी पट्टी रखते हैं जो हमने निशान लगाए हैं इनके ऊपर, हम इस तरह से इस पट्टी को अपने नेक को रखेंगे और इन निशानों के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर, और फिर हम इस साइड सिलाई लगा देंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की तरफ अपनी ये पट्टी रख लेंगे और इन निशानों के ऊपर हम अपने नेक को रखेंगे और ये सिलाई लगाते चले जाएंगे। निशान का थोड़ा ध्यान रखना है, और इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, इसी निशान के बिल्कुल ऊपर रखना है, और अब हम नेक के इस साइड भी ये सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए इसके बाद हम इसमें इस तरह से मोती लगा देंगे। पहले हम देखिए इस तरह से इसमें सुई निकालते हैं, और इसके सामने जो हमारे ट्रायंगल है इन दोनों को आपस में हम सील देते हैं। अगर थोड़ा बहुत इनमें थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है हमारे इन इस ट्रायंगल में, तो ये दोनों मिलके एकदम बराबर हो जाते हैं। पहले हम इस तरह से करेंगे और फिर इसमें मोती लगाएंगे। इस तरह से हम इनको आमने सामने पहले आपस में मिलाते जाएंगे, यानी सिलते जाएंगे, और फिर मोती लगाते जाएंगे, तो ये बिल्कुल बराबर हमारा डिजाइन आ जाएगा इस तरह से। ये हमारे गले का फाइनल लुक है, और मेरा फेसबुक पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं,
और उसमें भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालती हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा और कितना स्टाइलिश हमारा नेक तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।